नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे जनरल केमिस्ट्री की सीरीज में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एटम्स। एटम्स के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। जैसे कि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि भाई आइसोबार, एक डेफिनेशन दी हुई होगी और आपसे पूछेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं आइसोटोप्स क्या हैं। दो आपको ऐसे दो दो पेयर दिए हुए होंगे और फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन से आइसोटोप्स हैं, राइट। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल या बोर मॉडल। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई विच इज़ दी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन एटम, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के काफ़ी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आज इन्हीं सारे क्वेश्चनों से डील करने के लिए ये लेक्चर हम लोग देखेंगे। आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं दैट दिस लेक्चर इज गोइंग टू इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स, नो मैटर वॉट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और SSC और एनी ऑफ द स्टेट PSC, चाहे MPPSC हो, UPPSC हो या राजस्थान PSC हो, ऑल यू नीड टू डू इज पे योर फुल अटेंशन टू वॉच दिस लेक्चर एंड ट्राई टू लर्न एज मेनी फैक्ट्स एज पॉसिबल। ओके, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। दीज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन दी वेबसाइट, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इनको देख सकते हैं। दोस्तों, यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हो। मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड इट इज अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट मी, सो प्लीज गो थ्रू इट। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी डीप ब्रीफिंग दे देता हूं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर को हम सबसे पहले शुरू करेंगे बैकग्राउंड के साथ कि ऐसा क्या बैकग्राउंड था कि जिसमें एटम की खोज की गई, क्यों एटम को खोजने के लिए सोचा गया कि क्यों भाई कुछ ऐसा होना चाहिए एटम जैसा, तो उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एटम की प्रॉपर्टीज़ के लिए कि एटम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम एटम से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस एटॉमिक मॉडल्स जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन मॉडल्स के बाद कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, इनका इंटर रिलेशन क्या है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद दी एटम्स इनके बारे में समझेंगे, जैसे आइसोटोप्स, आइसोटर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो एटम्स होते हैं उनमें बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग जानेंगे कि भाई जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि भाई अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हमें बनाना है तो वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू गो थ्रू दी केमिकल बॉन्डिंग्स कि केमिकल बॉन्डिंग कितने कितने टाइप की होती है, जैसे आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो आज हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर टोटल हमारे दो लेक्चर आएंगे। दिस वन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके अलावा यहाँ पे दो नोट दिखा रहे हैं कि एनी ऑफ यू इफ इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग MPPSC लेक्चर सीरीज आइदर फॉर मेन्स और प्रीलिम्स, और या फिर आप में से कोई MPPSC के नोट्स अवेल करना चाहता है आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, आइदर फॉर दी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट दिस नंबर 8447022777, और या फिर वो विजिट कर सकते हैं www.straightzero.in पे। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटम, जो कि एक सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे किसी भी मैटर के पीछे। मतलब थोड़ा तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप अभी तक मेरे पिछले लेक्चर देख चुके हैं कि एटम क्या चीज़ होती है। एटम एकदम बेसिक यूनिट होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है कि दुनिया भर के जितने भी चीज़ें, सामान आप देखते हो, ये सारे सामान या मैटर्स या ऑब्जेक्ट्स 118 एलिमेंट से बने हुए हैं। और अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की भी, तो ये एलिमेंट किस चीज़ के कण से बने हुए हैं, तो दैट वो जो एक कण होता है, एक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो ऐसे एकदम 118 एटम्स हैं। आगे क्या डेफिनेशन है, क्या इसके बारे में है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में, बैकग्राउंड क्या था। देखिए, जब भी हम कोई किसी भी चीज़ को केमिकली कंबाइन करके बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज में, तो उसके हिसाब से दो लॉ थे जिनको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि यूनिवर्सल थे, जो हमेशा ट्रू रहते थे। वो दो लॉ किसके द्वारा दिए गए थे, लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसके द्वारा दिए गए हैं? लेबुसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। ये दो लॉ हैं क्या? एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर आप दो चीज़ों को मिला के कुछ भी बनाते हो और उससे जो भी बनता है उसका जो मास होगा उतना ही मास होगा जितने मास आपने बनाते वक्त अपने इंग्रेडिएंट्स का लिया था। यहाँ पे जो इस तरफ लिखा होता है केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो इस तरफ लिखा हुआ होता है यानी राइट हैंड साइड उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो अब अगर मैं बात करूँ जो रिएक्टेंट का मास था सेम मास प्रोडक्ट का भी होगा। इसका मतलब ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टोटल मास रिएक्टेंट का 100 ग्राम था तो जब प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास 100 ग्राम हो सकता है, मतलब होगा, हो सकता है नहीं, होगा। गॉट इट? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया केमिकली वाटर मॉलिक्यूल, आपने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हमेशा देखने को मिलता है कि जो भी, जैसे अगर आप देख रहे हो वाटर के मॉलिक्यूल में एक दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है हमेशा जब भी आप वाटर का मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसमें जो रेशियो रहेगा उनके मास का, जैसे इस वाले केस में इनके जो मास का रेशियो है वो है 1:8, क्योंकि H2 दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास हो गया सॉरी दो हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 2 ग्राम और एक ऑक्सीजन के एटम का मास हो गया, एक्चुअली ये ग्राम नहीं होता है, वो तो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 2U एटम्स के मास को हम AMU में मेजर करते हैं, तो 2U और ऑक्सीजन का हो गया 16U। तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो 1:8 आएगा इन एवरी एंड एनी केस, कभी भी अगर कोई सा भी वाटर मॉलिक्यूल उठाओगे। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम जैसे कार्बन का मास ले रहे हैं 12U और ऑक्सीजन का मास है आपका 16:32U, तो ये रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग इट? तो अब जब ये लेबोरेटरी में जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी कि एक तो मास का कंजर्वेशन हो रहा है और दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसका कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन है मास का, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो जो ये लेबोजियर जी थे और या प्राउस्ट जी थे वो इसका एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए। उन्होंने ये दो लॉ तो दिए पर ये नहीं बता पाए कि ऐसा ही क्यों होता है हमेशा। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आते हैं जॉन डाल्टन, जो हीरो है हमारी इस लेक्चर के आज के। जॉन डाल्टन, उन्होंने थ्योरी दी मैटर के ऊपर और उन्होंने बोला सारे के सारे मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने हुए हैं और वो पार्टिकल कहलाता है एटम, और इसी से निकल के आती है आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो एटम के चैप्टर में कुछ याद रखो या ना रखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को बिल्कुल याद रखना। इनकी थ्योरी में कुछ 5 या 6 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, इन्होंने बोला दुनिया के सारे मैटर एक बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल के बने हुए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। इन एटम्स को ना ही आप डिवाइड कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब ना क्रिएट होंगे, ना डिस्ट्रॉय होंगे, ना डिवाइड होंगे। तो देखिए इससे क्या बात निकल के आएगी, अगर क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो तो मास जितना है वो इतना इंटैक्ट रहेगा, और इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो तो यानी जो रेशियो है वो हमेशा उतना ही रहेगा। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1.5 एटम आपको किसी चीज़ के मिल जाएं, या तो एक एटम मिलेगा या दो एटम मिलेंगे। तीसरी बात इन्होंने बोली, जो भी एटम होते हैं किसी भी एक गिवन एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, तो किसी भी गिवन एलिमेंट का अगर कोई भी एटम होगा उसका साइज, उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम होंगी। लेकिन अगर वहीं कोई एटम अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, जैसे क्लोरीन का एटम और सोडियम का एलिमेंट, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो इनकी साइज भी अलग होगी, मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। और इन्होंने ये भी बताया जब भी आप कंपाउंड बनाते हो, जब भी आप मॉलिक्यूल बनाते हो, तो ये जो एटम कंबाइंड होते हैं ना वो होल नंबर में कंबाइंड होते हैं। होल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 इस ऐसे कंबाइन होते हैं, ना कि 3.5 एटम कंबाइन हो जाएं 7 एटम्स के साथ, नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ ही कंबाइन होगा, या 2 हाइड्रोजन का एटम 1 ऑक्सीजन के एटम से ही कंबाइन होगा, या 1 नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ ही कंबाइन होगा। तो उन्होंने बोला ये हमेशा होल नंबर्स रहते हैं, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं रहते, और रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट। मतलब उन्होंने बोला कि जो कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, मतलब का जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये जो एटम्स हैं कितने अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे वो भी फिक्स रहेगा और उनका रेशियो भी फिक्स रहेगा। तो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें 5-6 पॉइंट थे। पहला था कि भाई उन्होंने बताया सारे के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे मैटर एटम्स के बने हुए हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो उनकी शेप, उनकी साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी।
अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनकी साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अगर दो एटम्स कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन होंगे। और उसके अलावा आखिरी पॉइंट बोला कि एक गिवन कंपाउंड में अलग अलग किस्म के जो भी एटम्स हैं वो फिक्स रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। तो ये हो गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आ जाती है तो बात होती है एटम के बारे में। अब समझते हैं एटम क्या है। तो एटम ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी जिससे कोई भी एलिमेंट बना होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी होंगी। अगर कार्बन एलिमेंट का अगर एटम है तो उसमें कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। गॉट इट। ये जो आइडिया था एटम का, ये सबसे पहली बार जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1800s में। डाल्टन ने ये भी प्रपोज किया, ईच केमिकल एटम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल यूनिक टाइप ऑफ एटम। आप ऐसा नहीं देख सकते होंगे कि कार्बन के दो टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हो, या फिर हाइड्रोजन के दो टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हो, या फिर आपके आयरन के दो टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हो। नहीं, एक और यूनिक टाइप का एटम ही एग्जिस्ट करता है और जिसको ना ही आप ऑल्टर कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बताया है कि जब एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कैसे बनता है। जैसे दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम, मिलके क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का दिखता है, इसके ऊपर आए थे एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर काफ़ी मॉडल्स आए थे। कौन कौन से मॉडल, जैसे कि थॉमसन मॉडल, फिर आया रदरफोर्ड मॉडल, फिर आया बोर मॉडल। और जो बोर मॉडल है वही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। अदरवाइज और जो बोर मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ही डेवलप किया गया है। इन मॉडल्स पे चलें, उससे पहले एक बेसिक तो आइडिया ले ही लेते हैं कि एक एटम कैसा दिखता है। एक एटम आप ऐसा समझिए, एक उसके अंदर बीच में चौराया है, सेंटर है, जहाँ पे दो किस्म के लोग रहते हैं। एक रहता है आपका न्यूट्रॉन, दूसरा रहता है प्रोटॉन। और इन दोनों को मिला के ही, इस जगह को ही हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें रहने वाले प्राणियों को या पार्टिकल्स को, सब एटोमिक पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाले लोग न्यूक्लियॉन्स। और इसके चारों तरफ होती हैं ऑर्बिट्स, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स या शेल, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये होता है एक तरीके से एटम का, एटोमिक स्ट्रक्चर का दिखना, कैसा दिखता है एटम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया हुआ है, जो न्यूक्लियस है वो कंपेयर्ड टू ओवरऑल एटम के साइज के बहुत ज़्यादा छोटा होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं एंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब प्रोटॉन की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इलेक्ट्रॉन की अलग होंगी, न्यूट्रॉन की अलग होंगी। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो हैवी होता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा हैवी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरीके की सारी बातें। अब अगर आप एक एटम का मास जानना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब भी किसी भी चीज़ का मास जानना चाहते हो तो एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, है ना। लेकिन अब आप वही यूनिट इस्तेमाल करते हो जो उस चीज को मेजर करने में काम आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोना खरीदने जाते हो, गोल्ड खरीदने जाते हो, तो आप क्या उसको केजी में खरीदते हो? नहीं, उसके लिए आप लोगों ने अलग यूनिट निकाल रखी है। या तो आप ग्राम में उसके लिए उसको तोलते हो, या फिर तोला। तोला एक शब्द चलता है ना जिसमें सोने को हम तोलते हैं, क्योंकि ये इतना महंगा है, मतलब जितना हम यूज़ में ला सकें। तो सिमिलरली एटम के मास को आप केजी में जान तो सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रेफर्ड यूनिट इस्तेमाल की जाती है AMU। और ये एक AMU किसके बराबर होता है? एक AMU बराबर होता है जो कार्बन 12 कार्बन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं वो अभी बताऊंगा। तो जो कार्बन का 12 वाला एटम है उसका जो भी मास होता है, अगर हम उसका 1/12 निकाल लेते हैं, जो भी वैल्यू निकल के आती है उसी को हम 1 AMU बोलते हैं। और ये वैल्यू निकल के आती है 1.67 × 10^-27 kg। ये होता है एक AMU मास। समझ गए? तो अब अगर हम बात करें यहां पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, कौन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जीरो, यानी ये न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअल मास कितना होता है आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया ये एक कार्बन का एटम है, बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, और ये इसकी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भरे हुए होते हैं, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के लिए अलग अलग रूल है। जैसे पहला रूल होता है 2n² जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जिसके हिसाब से क्या होता है कि एक ऑर्बिट में
कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे अगर पहली ऑर्बिट होगी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 1² एन की वैल्यू है ऑर्बिट का नंबर, तो यानी पहली ऑर्बिट तो एन इज इक्वल टू 1 हो गया, तो आंसर आया 2। तो पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 8। तो अब अगर हम देखते हैं जो आपका क्या कहते हैं कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, दैट इज एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। 2 आपने पहले ही बढ़ दिए, अब कितने बचे 4, तो 4 आ गए सेकंड ऑर्बिट में। एटॉमिक नंबर को याद रखना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। दूसरा नंबर होता है मास नंबर, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है न्यूक्लियॉन्स के बराबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन को मिला के बन गया 12, तो 12 इसका मास नंबर है। और ये जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे 6 है, ऑक्सीजन का जैसे 8 है, या नाइट्रोजन का 7 है, ठीक है, या फिर सोडियम का 11 है, तो ये सब के लिए हर एक, अगर कोई भी डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। मास नंबर सेम हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं सेम टाइप के एलिमेंट में। ये पीरियडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट अरेंज होते हैं और जिसमें आप देख सकते हो कितने आपके एलिमेंट्स हैं और कितने टाइप के एटम्स यानी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है। अगर पीरियडिक टेबल का कोई भी आप बॉक्स देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन का यहाँ पे बॉक्स एक्सप्लेन किया है, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखा हुआ था जिसमें 6 आपका रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, C रिप्रेजेंट करता है इसका सिंबल, और उसके अलावा ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब उस एटम का कितना मास है। नॉर्मली जो एटॉमिक मास होता है आप उसे इक्वलेंट समझ सकते हो मास नंबर के, ठीक है, मास नंबर के बराबर समझ सकते हो। कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं समझा रहा। पीरियडिक टेबल का को कैसे रीड करते हैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, और यहाँ पे एक और चीज़ देखना, अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई है जैसे 7N14, तो 7 दिखा रहा है एटॉमिक नंबर, 14 दिखा रहा है मास नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 − 7, दैट इज 7। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, अभी बताया, इनका मास कितना होता है लिखा हुआ है, EMU में मास कितना होता है लिखा हुआ है, चार्ज क्या होता है ये देख लो, ये होता है बेसिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा चार्ज नहीं होता, ठीक है। और चार्ज की जो SI यूनिट होती है दैट इज कूलाम, लेकिन अगर CGS यूनिट की बात करें तो वो होती है ESU, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइन। अब एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल आए, जैसे थॉमसन मॉडल जिसको बोला जाता है प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल समझ लो, या वाटरमेलन। वाटरमेलन आप लोगों ने देखा है, गोल होता है और उसमें जगह जगह पे बीज होते हैं, है ना, तो ये वही वाला मॉडल है। इसमें उन्होंने बोला जो एटम होता है वो एक गोलाकार एक स्फेरिकल के टाइप है, और उसके बीच बीच में ना नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे बीज की तरह है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरह है, वो जैसे आपका अगर आपने वाटरमेलन देखा होगा तो जो उसमें ईडेबल पार्ट होता है रेड कलर का, वो उसकी तरह फैला हुआ होता है। ये उन्होंने थॉमसन ने मॉडल दिया। तो फिर इसमें क्या दिक्कत हुई, इसमें दिक्कत ये हुई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, लाइट को पास करवाया गया। अब जो उसके रिजल्ट आए उस रिजल्ट को ये वाला मॉडल सेटिस्फाई नहीं करता था, तो इसीलिए फिर दूसरा मॉडल आता है, दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड मॉडल ऐसा बोलता है कि भैया सेंटर है एक जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इन्होंने ये बात तो बता दी, लेकिन पता इनका मॉडल तो सही था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसमें कि ये अगर ऐसा है तो देखिए कोई भी चीज़ अगर घूम रही है तो उसमें एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी अगर खर्च होगी तो धीरे धीरे करके ये शेल तो एकदम छोटा होता जाएगा और एटम एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि एटम कैसे स्टेबल रहता है, एटम किस तरीके से स्टेबल रहता है, और इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया बोर ने, और इसके बाद इसी मॉडल को बोर मॉडल बोलने लगे, ठीक है। इतना ही समझना काफ़ी है, रदरफोर्ड का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब बात करते हैं एटम में जो टर्म्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको बार बार हम देख रहे हैं। एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का अलग होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मास नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, देखिए सेम एलिमेंट का
मास नंबर अलग हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर यानी जेड से लिखेंगे तो जेड जेड सेम होता है लेकिन ए डिफरेंट होता है, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स कहलाते हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, अदरवाइज तीनों जाने जाते हैं हाइड्रोजन के एटम। मतलब इनकी सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन जैसी होती हैं, बस इनका मास अलग अलग हो जाता है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स ऐसे ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, देख रहे हो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो अपने आप एलिमेंट तो अलग अलग हो गए, जैसे ये है फॉस्फोरस और ये है सल्फर, पर इनका जब मास नंबर देखोगे यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखोगे वो सेम होता है, तो इनको आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोन किसको कहते हैं? आइसोटोन ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, जैसे 6C14, 8O16, 7N15। जब इनमें आप न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करोगे 14-6 तो आंसर आएगा 8, इसमें कैलकुलेट करोगे 16-8 तो 8, 15-7 देन आंसर इज 8। तो ये तीनों हैं आइसोटोन, मतलब जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऐसे एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। इसको समझाता हूं, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? N2 यानी ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब N2 इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें दो नाइट्रोजन के एटम है, एक एटम में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो में हो गए 7 × 7 = 14 इलेक्ट्रॉन्स। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में देखोगे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर सेम, देन इट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? इन डेफिनेशन को याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर आइसोमर्स ऐसे एटम्स होते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही सेम है बट इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। मतलब कि देखो ये ऐसे एटम हैं, मतलब क्या होता है, जैसे भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा ना, अब लेकिन क्या होता है, जैसे अगर आप अगर बात करते हो वाटर की, तो वाटर सिर्फ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियंस वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तब जाके एक पानी की बूंद बनती है। अब ये जो मॉलिक्यूल बहुत सारे इकट्ठे हुए, ये किस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डायमंड, डायमंड में जो कार्बन अपने आप को अरेंज करता है वो वाला शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप। जबकि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट में जो आपके कार्बन होता है वो अपने आप को अरेंज करता है हेक्सागोनल सीड्स के शेप में, समझ रहे हो? तो ये शेप अलग अलग हो जाता है और इसीलिए प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती हैं। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है बट डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यूरेनियम एक्स, यूरेनियम जेड। आइसोटर्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग दी सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको आइसोटर कहते हैं। जैसे कि N2 और CO, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बता चुका हूँ सेम है, और इनमें नंबर ऑफ अगर हम एटम्स की बात करें तो वो भी सेम है, जैसे इसमें 2 एटम, इसमें भी 2 एटम, तो इनको आइसोटर कहते हैं। प्लीज इन चीजों की, इन डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना। एटम के साइज की बात करें, कितना बड़ा होता है एक एटम, तो एटम का जो रेडियस होता है वो आप नैनोमीटर्स में मेजर कर सकते हो। एक अगर जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, जो सबसे बेसिक एटम है, उसका अगर साइज देखते हो, एटॉमिक रेडियस देखते हो, तो वो है 10^-10 मीटर्स। एटम को सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता था, ये सिंबल्स कुछ यहां पे लिखे हुए हैं, इतना याद करना जरूरी नहीं है, ये डाल्टन के द्वारा दिए गए थे, अब ये पुराने हो चुके हैं। एटम्स के सिंबल भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का HE, कार्बन का C, प्लीज इनको याद करके रखें। कॉपर का CU, ये इसके लैटिन नेम से ड्राइव है, कूपरम। कोबाल्ट का CO, क्लोरीन का CL, तो प्लीज आप इनको याद कर लेना। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम मिलते हैं और केमिकली कंबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आप ये सोच सकते हो, सर ये क्यों बनाता है मॉलिक्यूल? ये मॉलिक्यूल इसलिए बनाते हैं क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो नेचर में स्टेबल नहीं होते। स्टेबल क्यों नहीं होते, इसके ऊपर आगे बात करेंगे, पर ये स्टेबल नहीं होते तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कंबाइन कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो O2 बना लेगा, ठीक है ना। हीलियम जो है वो स्टेबल रहता है इसलिए वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता, नियॉन स्टेबल है इसलिए वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता।
ठीक है ना, ये आपस में भी कंबाइन हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे एटम से भी कंबाइन हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों कंबाइन हो गए, अब ये स्टेबल हैं, अब ये एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, मतलब जैसे हीलियम और नियोन, ये मोनो एटॉमिक है। डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं जिसमें दो एटम्स आते हैं, और पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं जैसे CO2, जैसे इसमें दो से ज़्यादा एटम्स आ रहे हैं, उनको पॉली एटॉमिक बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, इसमें जो एटम्स होते हैं वो डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो कहलाएगा एटोमिसिटी। जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक है, या फिर अगर बात करें हाइड्रोजन तो ये डाई एटोमिक है, ये इसकी एटोमिसिटी है। फॉस्फोरस जो है ये पॉली एटोमिक है और इसकी एटोमिसिटी 4 है, यानी इसमें 4 एटम हैं। आयंस क्या होते हैं, जब हम एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो बनाता है आयन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में से जब हमने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो वो बन गया एच पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया इसका। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जब मैंने दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, मतलब दे दिए उसको एक्स्ट्रा, तो वो बन जाता है O2 नेगेटिव, तो ये बन गया आयन। तो यानी आयन दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव आयंस और दूसरी होती है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं कैटाइंस और नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनायंस। क्लियर हो गया, बस इतना ही जानना जरूरी है, इतने में ही आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डील हो जाएगा। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी समझने से पहले आपको कुछ और समझना होगा। जैसे मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ कि एटम्स जो होते हैं वो नेचर में स्टेबल नहीं होते, स्टेबल मतलब खुद से नहीं रह पाते। इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने अभी आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया, तो बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ होती हैं ऑर्बिट्स। कितनी ऑर्बिट्स होती हैं ये कैसे पता चलता है, 2n² यानी ऑक्टेट रूल के माध्यम से। ये बोलता है कि भले ही, अब जैसे एटम्स में दो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, कौन सी ऑर्बिट में होती है, कैसे पता चलता है 2n² से। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 होंगे, तीसरी में 18, मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा है, जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका एटोमिक नंबर है 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो पहली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब बचे 9, तो दूसरी वाली ऑर्बिट में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी ऑर्बिट में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अगर मतलब कोई भी एटम को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना चाहिए। मुख्यतः तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसका नाम ऑक्टेट दिया गया कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसकी एक जो ऑर्बिट होती है उसी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बस पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो ये स्टेबल है, ना इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है। लेकिन अगर सोडियम की बात करें तो 2, 8, 1, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बैलेंस नहीं, मतलब तब तक ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन को दे दे या ले ले। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बैलेंस ही बोलते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो उसकी बैलेंस ही पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब आपने अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दी तो आप पॉजिटिव फील करते हो, तो पॉजिटिव उसकी बैलेंसिंग होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके अंदर नेगेटिव उसकी बैलेंसिंग हो जाती है। अब ये जो बैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो आप लोग। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। जैसे सोडियम के केस में सिर्फ 1 था, ऑक्सीजन के केस में 6 होते हैं, नाइट्रोजन के केस में 5 होता है और कार्बन के केस में 4 होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में 1, 2, 3 है आउटर मोस्ट में, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए प्रेफर्ड तरीका है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे दें। 1 इलेक्ट्रॉन को देगा तो वैलेंसी +1, 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो +2 और 3 को देगा तो +3। अगर जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ना उन्हें इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ना लेने की जरूरत, ये स्टेबल होते हैं। अगर किसी के आउटर मोस्ट में अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पसंद करते हैं। तो जिसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा,
जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे चार जिसके पास होते हैं वो क्या करता है, तो ऐसे केस में वो क्या करता है, वो शेयर करने लेता है, ना वो देता है ना लेता है, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंसी और ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना समझ में आया दैट इज फाइन, अदरवाइज आप इसको याद कर सकते हैं, यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। यहां पे ये वैलेंसी एक्सप्लेन की हुई है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, कौन सी आयन बनाएगा, ये आप देख लेना। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है जैसे अब अगर मैंने बोला एक सोडियम आपका ये है कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl का फॉर्मूला ऐसा क्यों दिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा क्यों दिखता है, या फिर अगर बात करें वाटर का फॉर्मूला ऐसा क्यों दिखता है, तो इन्हीं को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूलाज। और ये ऐसे क्यों दिखते हैं, इसके पीछे रूल है। रूल क्या है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, तो आप इन वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देते हो और बन जाता है H2O। तो इस तरीके से ये केमिकल फॉर्मूला ड्राइव होते हैं। NaCl, Na की वैलेंसी है +1, Cl की वैलेंसी है -1, इनको आप एक्सचेंज कर दो तो Na1Cl1, 1-1 लिखना रिडंडेंट है तो NaCl लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की -2, इनको एक्सचेंज कर देते हैं तो Mg2O2। लेकिन अब आप इनको डिवाइड कर दो एक कॉमन फैक्टर से, तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है MgO, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनते हैं। इतना आप समझ गए तो काफी है, एग्जाम में इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। एक और बात याद रखना, केमिकल फॉर्मूला में जो पहला टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वैलेंसी वाला, और दूसरा वाला होता है नेगेटिव वाला, यानी पहला वाला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल जनरली। तो ये हो गए आपके केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे ड्राइव करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे एटम का मास होता है, जैसे जैसे सोडियम है, सोडियम का मास 23 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। तो अब अगर क्लोरीन सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, 23 प्लस 35.5, तो टोटल आंसर आ गया आपका 58.5। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे वाटर है तो H2O, तो एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल मास हो गया 18। गॉट इट, इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों ही सेम ही होते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा नाम का वेरिएशन है। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले तो मोल होता क्या है, अब अगर आप याद करेंगे फिजिक्स में मैंने एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, यूनिट पढ़ाई थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें मैंने बताया था 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट्स होती हैं और उनकी क्वांटिटीज होती हैं, और जो उनकी यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। उनमें से एक यूनिट बताई थी मोल। मोल होती है यूनिट किस चीज़ की, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी जब आप किसी चीज़ की गिनती करते हो उस गिनती को आप मोल में रिप्रेजेंट करोगे तो वो ऐसा ही यूनिट कहलाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक दर्जन यानी 1 dozen बनाना का मतलब क्या होता है, 12 bananas। तो जैसे यहाँ पे डजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बनानास को, ऐसे ही मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे 1 mole atoms, 1 mole ions, 1 mole molecules, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ एक दर्जन एटम की बात करेंगे तो 12 atom होंगे, पर एटम इतनी छोटी चीज है कि एक दर्जन यानी 12 atom से तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए थी जो एटम्स के लिए बात कर सके। जब मैं बोलता हूँ 1 mole oxygen atom, 1 mole oxygen atom का मतलब क्या है, 6.022 × 10²³ atoms, इतने सारे एटम्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए मोल की पहले डेफिनेशन देखते हैं। मोल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1 mole ऑफ एनी स्पीसीज। एनी स्पीसीज का मतलब एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो या पार्टिकल हो, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटोमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। समझाता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 U होता है, एक हीलियम के एटम का मास होता है 4 U होता है, ठीक है। एक कार्बन के एटम का मास होता है 12 U। लेकिन वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी, इसको और अच्छे से लिखता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, गलती से भी अच्छे से समझ लो। जैसे मैंने लिखा 1 atom ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना बोल रहा हूं मैं, 16 U। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलता हूं 1 mole ऑफ ऑक्सीजन,
यानी कितने सारे ऑक्सीजन, 6.022 × 10²³ ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे उनका मास कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 16 ग्राम। इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? ऐसे ही ये सबके लिए ट्रू है। इसी को ही हम लोग मोलर मास बोलते हैं। जैसे अगर कोई, मैं आपसे बोलता हूं ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम्स। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, तो 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी, एक मोल हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। गॉट इट? जितना समझ में आया वो बढ़िया है, अदरवाइज आप इसको याद कर लीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमें बताते हैं कि जब कोई भी एटम केमिकली कंबाइन होगा तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब ये लेना देना तो मैंने बता दिया, 1, 2, 3 के केस में देना प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और 5, 6, 7 के केस में इलेक्ट्रॉन्स को लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन वहीं 4 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, कोई जैसा भी एटम है जैसे कार्बन है या सिलिकॉन है, तो ये एटम ना देना ना लेना प्रेफर करते हैं, ये शेयर करते हैं। तो इससे बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें ये भी पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या करेगा, किस टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको केमिकली कंबाइन होना होता है, और केमिकली कंबाइन होने के लिए आपको बॉन्ड बनाना होता है, और ये बॉन्ड जो है वो 2-3 तरीके की होती है। सबसे मुख्यतः होती है आयनिक बॉन्ड, और दूसरी होती है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं तो आयंस बन जाती हैं, इसीलिए उनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जब शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। डिटरमिनेशन किस तरीके से करते हैं, तो ये पीरियडिक टेबल से भी पता चल जाता है। जैसे कि जो भी फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जो भी एटम्स सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं तो उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से पीरियडिक टेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने में मदद करती है। यहाँ पे उन्हीं का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब सब सारे ग्रुप्स का जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि ये ऑर्बिट में किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन एक और रूल होता है, जैसे कि अगर आप किसी को भी अपना एड्रेस बताते हो तो कैसे बोलते हो, या तो बिल्डिंग में रहता हूँ, फिर बिल्डिंग में फ्लोर बताते हो, फिर फ्लोर में फ्लोर के बाद फ्लैट नंबर बताते हो। तो ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन से पूछे कहाँ रहते हो, इलेक्ट्रॉन बोलेगा एटम में। एटम में कहाँ रहते हो, ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट में कहाँ रहते हो, तो बोलेगा ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है फर्स्ट एस, सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं एस और पी, थर्ड ऑर्बिट में होते हैं 3 ऑर्बिटल एस पी डी, फोर्थ ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ। ये ऑर्बिटल भी हमें किससे पता चल जाते हैं, पीरियडिक टेबल से। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। ये होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये वाला 13 से लेके 18 तक, और ये होता है डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक, उसके बाद ये होता है एफ ब्लॉक। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फॉल करेगा, वो एस ऑर्बिटल में फॉल कर रहा है। इससे आप देख के बता सकते हो पीरियडिक टेबल में कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल में, ये पी ऑर्बिटल में। फाइन, तो ये भी हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 2-3 रूल होते हैं, उनको आप याद कर लीजिए। एक होता है ऑफवो प्रिंसिपल, दूसरा होता है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और तीसरा होता है हंट्स रूल। ये देखिए, इतना डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट फील हो आपको, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है आपका सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते, ऐसा बोलता है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो वो इस तरीके से फिल होते हैं कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम ना हो। एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, तीसरा होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। हंट्स रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एटम्स में इस तरीके से ज्वाइन होते हैं कि कौन सा बता रहा हूँ, हंट्स रूल। हाँ, हंट्स रूल ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ये ऑर्बिटल्स हैं, ये है आपका पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 कमरे होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ पहले फिल नहीं होते, पहले वो अलग अलग ऑर्बिटल में जाना पसंद करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है। जितना समझ में आ जाए काफ़ी है, इतना डेप्थ में जाना नहीं है, एक्चुअली अननेसेसरी है। बस एक्चुअली इसको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आप बस इतनी डेफिनेशन याद कर लीजिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल, दैट्स इट। ठीक है, ऑक्टेट रूल ऑलरेडी बता चुका हूं आपको
केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग अभी आपको बताया क्यों जरूरी होती है, सो दैट एटम्स मॉलिक्यूल बना सके। केमिकल बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी मदद से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तीन टाइप के मुख्यतः बॉन्ड्स होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा भी बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बन गया Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जब इसको ले लिया तो उसने बना दिया Cl नेगेटिव। तो आपने देखा दो आयन बन गई, एक Na पॉजिटिव बन गई और एक Cl नेगेटिव बन गई। और आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है और इस टाइप की बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग यानी ऐसी बॉन्ड जिसमें आयन्स बनते हैं। दूसरी होती है आपकी केमिकल, दूसरी होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसे कि कार्बन, कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है चार इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है कितने, छह इलेक्ट्रॉन्स, एक दो, यहां से हटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ऐसे, एक दो तीन चार पांच छह, और यहां पे एक और ऑक्सीजन, एक दो तीन चार पांच छह। अब ये लोग क्या करेंगे, कार्बन बोलेगा भाई तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो शेयरिंग कर लेते हैं। यहां पे उसने दो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से शेयर कर लिए और दो इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिए। अब अगर आप काउंट करते हो ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अगर आप कार्बन के काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया इस टाइप का दिखता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक एच पॉजिटिव आया, एच पॉजिटिव यानी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, इसका एटॉमिक नंबर होता है एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किसी ने छुड़ा लिया है, तो ये एच पॉजिटिव हो गया। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्या डुप्लेट, तो ये आता है अमोनिया के पास, अमोनिया इसको इस टाइप का सिंबल बना के एक बॉन्ड बना लेता है, यानी इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जब काउंटिंग की जाएगी तो जब हाइड्रोजन के अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा तो वो दिखा सकता है देखो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास अगर छापा पड़ता है तो बोलेगा एक दो तीन चार पाँच छः और दो ये मेरे हैं ही, तो आठ इलेक्ट्रॉन्स है। इस वाले हाइड्रोजन के पास अगर रेड पड़ती है तो एक और दो इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से सबका काम चल गया। ये होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्यों लिखा है, क्योंकि ये बताने के लिए कि केमिकल बॉन्ड जो बनती हैं वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती हैं। लुईस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है जो मैं बना रहा था, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखता है, ये डॉट स्ट्रक्चर होता है और ये लाइन स्ट्रक्चर होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑक्टेट रूल के लिए कि ज़रूरी नहीं है हर बार जो कंपाउंड बने उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो ही हो, बहुत बार ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे NO, NO2 अगर आप इनके केस में देखते हो, जैसे NO के केस में देखते हो तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर दी सेंट्रल एटम, जैसे LiCl यानी लिथियम क्लोराइड के केस में, लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखो इनने बॉन्डिंग बनाई तो सिर्फ लिथियम का क्या हुआ, डुप्लेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, किसी किसी केस में आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे Pf5 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास आ गए पांच फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं सात इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन्होंने शेयरिंग कर लिया। तो देखो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एक्सेप्शन हैं टू दी ऑक्टेट रूल, फाइन। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का अगर हम डेफिनेशन बताएं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड एटम्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू द एटम्स इन लुईस स्ट्रक्चर। मतलब बताना जरूरी है क्या, आई डोंट थिंक सो, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज आप लोग साइंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात करते हैं, फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैविंग रेजोनेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। मतलब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनका एक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है, मतलब अगर आप उन्हें देखते हो तो उनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है नेचर में, कभी ऐसा दिखता है कभी ऐसा दिखता है, तो इसीलिए उनका एक ऐसा रेजोनेंट हाइब्रिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड स्ट्रक्चर थियोरिटिकली, वरना ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो स्विच करती रहती है।
एक्चुअली लेक्चर की लेंथ बड़ी हो रही है, इसलिए मैं कुछ भी चीज़ ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहाँ पे ही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मल चार्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर शुरू करते हैं, ठीक है, रेजोनेंस है, क्योंकि अभी एक्चुअली लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग क्विकली, एक और लेक्चर इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे और तब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इज़ दैट फाइन? टिल देन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, रेजोनेंस का जो फिनोमेना होता है वो कौन सा कंपाउंड दिखाता है, सबसे ज़्यादा वेल नोन कंपाउंड कौन सा है, वो कौन सा कंपाउंड है, ये बताना आप लोग। उसके अलावा आप लोग मुझे कोवलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल देना, कोवलेंट कंपाउंड के और आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देना। ये तीन चार क्वेश्चंस के आप लोग जवाब देना और इस लेक्चर को रिव्यू करना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज़ थी वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है हमारे सारे के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस को ध्यान में रख के, ठीक है। तो आप इसी लेक्चर को अब 2 से 3 बार तक देखिए सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएं। एज़ फार एज़ नोट्स इज़ कंसर्न, तो ये नोट्स आपको स्ट्रेट ज़ीरो की वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आती है लेक्चर के रिगार्ड में, नोट्स के रिगार्ड में, किसी पेपर के रिगार्ड में, तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं 8447022777। बाकी दोस्तों आपको दो काम करने हैं, एक तो लेक्चर के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें भी पता चलेगा कि यू आर लाइकिंग माय लेक्चर्स। सेकंड थिंग इज आपको इस लेक्चर को रिव्यू जरूर करना है सो दैट वी गेट टू नो दैट कि हम लोगों ने जो ये लेक्चर प्रोवाइड किया है कैसा लगा आप लोगों को, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।